उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दो अलग अलग मामलों को खुलासा कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला 15 साल पहले हत्या का है, जबकि दूसरा मामला लग्जरी गाड़ियों की चोरी से जुड़ा है। 15 साल बाद हत्या का आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार। 3 दिसंबर 2008 यानी आज से 15 साल पहले उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक बिहारी निवासी युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोपी 15 सालों से पुलिस को चकमा दे रहा था। आरोपी नाम बदलकर लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा, जिसके बाद 2022 में आईजी कुमाऊं ने आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। इसी कड़ी में जांच के दौरान आरोपी की लोकेशन पश्चिम बंगाल में पाई गई, जिसके बाद 21 जनवरी 2023 को टीम पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुई। पुलिस की भनक लगते ही आरोपी केरल भाग गया, जिसके बाद 10 अक्टूबर को एसओजी और थाना पुलिस को केरल रवाना किया गया, तो आरोपी वहां से भी बच निकला। लेकिन एसओजी ने मोबाइल सर्विलांस की मदद से पश्चिम बंगाल से उसे धर दबोचा। मर्डर बर्बरता से मर्डर हुआ था 2008 में, जिसमें एक चक्की मालिक को मार दिया गया था हाथ पैर बांध के कटिया पे चारपाई पे, और उसके बाद कई बार उस पर पेचकस से वार करके मर्डर करके भाग गया था। तो पिछले बार भी हमने केरला में दबिश भेजा था छोटी लीड पे, जब मिला नहीं तो आज उस सभी प्रयासों का एक सफल एक उपलब्धि मिला है। 15 साल से फरार ये मर्डर का अक्यूज है, 50,000 का रिवॉर्ड। आलिशान घरों में चोरी करने वाले दो रॉयल चोर गिरफ्तार। काशीपुर आईटीआई थाना क्षेत्र में आलिशान घरों में लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 4 लाख की नकदी और सोने चांदी के आभूषण समेत अन्य चोरी का माल भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ दिल्ली और नोएडा में 14 मुकदमे दर्ज हैं। हैरानी की बात यह है कि ये गिरोह लग्जरी गाड़ियों में आकर आलिशान घरों में चोरी करते थे। इतने दिन के अंदर अंदर कल ही सारा सफल अनावरण हुआ है। साथियों हैरान की बात है कि ये लोग बहुत अच्छे गाड़ियों में आते हैं, पॉश व्यक्तियों की तरह आके 5 से 10 मिनट में चोरियों को अंजाम दे देते हैं। इस प्रकार अंतर राज्य नेशनल लेवल का चोरी के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। चोरी किए गए सारे संपत्ति 4 लाख रुपए कैश, विभिन्न हीरे सोना चांदी की विभिन्न जेवर और विभिन्न सामान सब कुछ बरामद होकर 100% रिकवरी भी हो चुका है। हैरान की बात है कि ये दिल्ली में 14 मुकदमे, नोएडा में 10 मुकदमे गैंगस्टर भी रह चुके हैं और शातिर चोर है। इन्हीं के हिसाब से इनके ही कथन के अनुसार 20% चोरी भी इनका पकड़ा नहीं गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट।